नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, शायद किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को सबसे छुपाकर बिल्कुल अकेले में देखना और अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया बड़े ही जालिम है, आपको सही से जीने भी नहीं देगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहती हैं और आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहती हैं, तो मेरी इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना। सबसे पहला है सबको खुश रखना, और दूसरा है बहुत ज़्यादा सोचना, तीसरा है पास्ट में ज़िंदगी जीना, चौथा है दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, आश लगाए रखना, और पांचवा है खुद को दूसरों से कम समझना। दोस्तों ये पांच बातें आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जितना हो सके इन पांच आदतों को हमेशा अपने जीवन से दूर रखें। दोस्तों आगे इस वीडियो में और भी ज़्यादा गंभीर बातें बताई गई है, वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करती हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। भगवान शनिदेव आपके जो भी दुश्मन है, जो भी विरोधी है, उनका सर्वनाश करेंगे, तो जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यह समय ग्रह गोचर तथा भाग्य दोनों ही आपके पक्ष में है, इनका सदुपयोग करें और इनका लाभ उठाएं। इसके उपरांत घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेगी, रिश्तेदारों की आवाजाही भी रहेगी, और कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जरूर सुने। आपको अवश्य ही अच्छी समझ और सोच विचार की क्षमता प्रदान करेगी। वही दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें, तो यह समय आपकी लापरवाही की वजह से रुपये पैसे संबंधी कुछ नुकसान हो सकता है, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें, उनके सहयोग व आशीर्वाद से सभी व्यवस्थता आपकी उचित बनी रहेगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आप अपने प्रयासों से अपना लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहेंगे, और धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवाओं संबंधित में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, इस समय अगर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी आप स्थगित रखें, क्योंकि अभी ग्रह स्थिति उतना उचित नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। खरीदारी के लिए कोई भी समय अभी शुभ नहीं है, और आर्थिक मामलों में अभी पूर्वतः ही रहेंगे, और अनावश्यक खर्चे पर कटौती करें तथा धैर्य बनाकर रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून आने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों अथवा एकांत में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। यह समय प्रॉपर्टी या वाहन के खरीद पर उस संबंधी योजना बन रही है, तो उस पर अभी आप गंभीरता से सोच विचार करें, और जितना हो सके अभी उसको स्थगित ही रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, आप इनका लाभ उठाएं, भरपूर सदुपयोग करें। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने ऊपर अतिरिक्त कारभार ना लें, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, और किसी भी प्रकार का पेपर्क वर्क करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जरा सी लापरवाही और जरा सी गलती आपको बड़ी मुसीबत हो सकता है, और इनका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय अध्यांतर युवाओं को अपनी मेहनत के मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे तथा उनका हौसला और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करनी पड़ सकती है, और ऐसा करके आपको हार्दिक तथा मानसिक शांति का भी अनुभव होगा।
वहीं दोस्तों दोपहर के बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रहेगी। इस समय अगर उधार लेने देने की कोशिश कर रही हैं या फिर सोच विचार कर रही हैं तो उससे पहले पुनः एक बार सोच विचार जरूर कर लें या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। साथ ही अपने बहुमूल्य वस्तुओं की संभाल कर अच्छी तरह रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय मशीनरी और लोहे संबंधित बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही है। आपको अपने कार्य करने की रणनीति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है और नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में काम होने की वजह से आपको राहत महसूस होगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस के कामों में कुछ दिक्कतें चली आ रहेगी और इस समय बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। कर्मचारी तथा सहयोगियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और संबंध में किसी प्रकार की कटुकता न आने दें, परंतु ऑफिस में सुकून भरा वातावरण रहेगा। आप कुछ समय कहीं निवेश करने की सोच विचार कर रही हैं या मन में ख्याल आ रही है तो अभी आप उसको दबा कर रखें, क्योंकि उसमें अभी आप पैसा लगाएंगे तो पैसा आपको नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, घर परिवार में खुशी का माहौल तो रहेगा लेकिन फिर भी आपको इस समय सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और यह समय व्यवसाय में किसी भी तरह की जोखिम ना लें। समय नुकसान होने की संभावना लग रही है और आपके किस्मत के सितारे बता रहे हैं। इस समय आपको किसी को भी उधार पैसा देने से बचना होगा और किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच विचार कर रहे हैं तो आपकी यह पार्टनरशिप बहुत ही उत्तम रहेगी, दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन फिर भी आपको इस समय सावधान रहना होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। तो यह समय पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा और किसी पुराने मित्र से बहुत समय बाद मिलने के कारण बेहतरीन यादें आपकी ताज़ा होगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, यह समय जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपको मुश्किल समय में निकालने में आपका आत्मविश्वास बना कर रखेगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जो है मधुर बना कर रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका हेल्थ यानी सेहत को लेकर। देखिए यह समय बदन दर्द तथा कमजोरी आपकी महसूस हो सकती है, बदलते मौसम से अपना बचाव रखें और कुछ समय योगा मेडिटेशन में आप जरूर लगाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपका शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग हरा कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 1 है। दोस्तों जानकारियों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।